Right now, biggest base for evacuation of foreigners from Afghanistan is in Pakistan. Dasu, Lahore, Quetta and Gwadar incidents were planned and executed from Afghanistan with the help of NDS and ROW. आज वो खसारा तीन साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब छुट्टियों पर हैं, इसलिए शो की जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं। आज पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़े किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अम लाने के लिए जो कुछ मुमकिन था वो कर दिखाया है और हमारी कोशिशों से आज बॉर्डर की पाकिस्तानी साइड बिल्कुल महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने 86,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं और 152 अरब डॉलर्स का मौशी नुकसान भी बर्दाश्त किया है। DGISPR का यह कहना था कि भारत का अफगानिस्तान में हर काम पाकिस्तान के खिलाफ था, अब बैन अल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो भारत को कटहरे में खड़ा करे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान की मुसल्ला फ़ौज अफगानिस्तान से किसी भी किस्म के स्पिल ओवर और मनफी असरात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकस है। अफगानिस्तान के अम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी मिसाली रही है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी बताने के लिए तकरीब का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म ने अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन और आदाद शुमार को असली करार दिया। उनका कहना था कि लोग खुशहाल हो रहे हैं, हुकूमत संभाली तो मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, हमने करंट अकाउंट खसारा कम कर दिया है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं, लेकिन ऑपोजिशन इस कारकर्दगी को जालसाजी का नाम दे रही है। सवाल यह है कि अगर हुकूमती दावे दुरुस्त हैं तो उनका समर आवाम को क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ने, मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कादिर खान मंदोखेल ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो बासी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हमारे पड़ोस में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। तालिबान के कब्जे के बाद उम्मीद थी कि अब अफगानिस्तान अमन की राह पर चल पड़ेगा, लेकिन कल काबुल में बदतरीन दहशतगर्दी की गई। आज DGISPR ने वाज़े किया है कि पाक फ़ौज किसी भी तरह के स्पिल ओवर के लिए तैयार है। आप समझते हैं कि स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान की तरफ आएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया जी। बड़ी सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी कशीदा है, बड़ी परेशान कन है, और ख़ुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान का जो बदमनी है या वहाँ पे कोई लॉलेसनेस है बढ़ती है तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट जिसमें आने का ख़दशा है। लिहाजा जो भी हमारे रियासती इदारे हैं, हकूमत है, वो बड़ी इस पर चौकस हैं और बड़ी नज़र रखे हुए हैं। हम सब की ख्वाहिश थी कि ये हालात जो है वो खून खराबे की तरफ ना जाएं और ये जो ट्रांजिशन है ये पुरमन तरीके से हो जाए, ताकि कहीं भी अगर किसी इंसान का खून होता है, चाहे वो किसी मुल्क से भी है, उसकी कोई भी ज़ात नस्ल है, उसका मज़हब है, तो इंसानियत जो है वो उसका नाहक खून जो है वो पूरी इंसानियत का खून होता है। तो ये एक तकलीफ़ दे मरला है। हमारी हुकूमत की और इदारों की कोशिश भी है और हम दुआ भी करते हैं कि जल्द जो है ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए और अफ़गानिस्तान में अमन हो। खुदा न खासा बदमनी होती है तो पाकिस्तान जिसने बड़ी 20 सालों में तो बहुत ज़्यादा कीमत अदा की, 150 अरब डॉलर हमारा नुकसान हुआ, 70-80 हज़ार हमने जाने जाया की, 30 लाख के करीब हम अफगान मुहाजरीन के हम मेज़बान बने हुए, मईशत हमारी के अपने मसाइल हैं, तो अल्लाह ना करे कि ये मामला ख़राब हों, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमती इदारे हैं वो दोनों सूरत हाल पर और दोनों साइड का जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तान पर स्पिल ओवर इफेक्ट कम से कम आए इसकी पूरी कोशिश भी जारी है और वो पूरी तरह चौकस भी हैं। चलें, आप तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से चौकस है, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान बल्कि हुकूमती सतह पर भी आप कह रहे हैं कि हम अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अली गौर बलोच साहब,
افغانستان کی صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان میں کس طریقے سے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے۔ فوج تو تیار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اسی حوالے سے تیار ہے جس طرح صداقت علی عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سابقہ جو حکومت تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو تھا ہٹ لسٹ پہ تھا، اور افغانستان کے اندر جو تھے وہ مطلب ہے کہ ٹریننگ سینٹر موجود رہے، اور بھارت جو اپنی دہشت گردی تھا کرتا تھا اور مضموم جو اس کے عزائم تھے اس میں افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن ادھر میں ایک ضرور قابل ذکر بات ہے جس کا میں مطلب ہے کہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جس وقت طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ اور جس طرح سے افغانستان کی جو افواج ہیں وہ مطلب ہے کہ انہوں نے سرنڈر کیا، تو میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ جب جو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیاں تھیں جب وہ شہروں میں انٹر ہوئیں تو عوام کی طرف سے بھی ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا جو ان کی حکومت تھی۔ تو وہ ایک اس یہ امپیکٹ ضرور آتا ہے کہ ایک کرپٹ حکومت تھی، یا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ وہاں کی نمائندہ حکومت نہیں تھی، جس وجہ سے وہاں کی افواج بھی اس کو نہ بچا سکیں، چونکہ افواج نے وہاں کی عوام کا موڈ دیکھ لیا تھا جس وجہ سے وہ اس حکومت کا ساتھ نہ دے سکی، اور وہاں سے پھر جو آپ نے دیکھا کہ لمحوں میں پوری حکومت ڈھیر ہو گئی۔ بہرحال ہمیں اپنے جو بارڈرز ہیں وہ ان کی صورتحال کو بہتر رکھنا ہوگا اور اس پر بہت چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جو ہے مطلب ہے کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ کسی اور ملک کے اندر ہو، ہم تو مذمت کرتے ہیں اس کی۔ اور جس طرح سے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دہشت گردی 2013 میں جب ہماری حکومت قائم ہوئی تھی، کراچی میں تھی اور جگہ پہ تھی، اور ضرب اعظم بڑی کامیاب مطلب ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں بھی مطلب ہے کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کیے اور کراچی کا امن بھی بحال کیا، توقع کرتے ہیں کہ افغانستان بھی ہمیں بھی پرامن افغانستان سے ہی ہمیں خیر کی خبر آ سکتی ہے۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو وہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بارڈر کی پاکستانی سائڈ کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو الحمدللہ بالکل سیف ہے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بتا دیا ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، افغانستان کی صورتحال کے اوپر آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو سب تفصیل بتا دی، لیکن آپ کے خیال میں وفاقی حکومت جس طریقے سے افغان صورتحال کو ڈیل کر رہی ہے وہ درست سمت ہے، اور کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل، ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اور اللہ اللہ خیر صلاح جہاں موجودہ حکومت کو امریکہ یا افغانستان میں جو حکومت تھی یا افغانستان کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی تھی تو وفاقی حکومت کو تو وہ کہیں گھسنے بھی نہیں دیتی تھی ہماری پاکستان کی حکومت نے۔ لیکن اب چلو اچھا ہو گیا، جہاں امریکہ پھنس گیا ہے وہاں پہ، اور وہاں ایئرپورٹ میں صورتحال خطرناک ہے، تو انہوں نے پاکستان سے بھی مدد مانگ لی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ وفاقی حکومت نے جو اعلانات کی ہے یا جو وہاں سے امریکہ کی جو مدد مانگی ہے کہ وہاں جو ایمبیسیڈرز ہے یا سویلین ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ذریعے وہ بھارت لے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں مجھے ایک عجیب خبر صبح سننے کو آئی جو میڈیا کے ذریعے آ گئی ہے کہ جہاں سندھ حکومت کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی سنبھالے یہاں پہ کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز آ رہے وغیرہ وغیرہ، مگر دوسری خبر یہ تھی کہ پنجاب حکومت نے انکار کر دیا کہ ہم کسی افغانی کو یا کسی افغانستان سے آنے والے کو پنجاب میں نہیں اترنے دیں گے، جو نیوز خبر ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سندھ تو پہلے بھی ایک یوں سمجھ لو کہ جیک لالو ہوتا تھا، جسے اب لالو کہتے ہیں، جو وہ اچھو سائیں کا وہ نعرہ لگاتا تھا، اور جہاں انڈیا سے جو مہاجرین آتے تھے وہ بھی یہاں اپنے دل میں بسا ہے، اپنی دھرتی میں بسا ہے، اور پھر آج جو اس سے پہلے جو افغانی آئے تھے وہ بھی سندھ میں آئے، اور آج بھی جو صورتحال ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا گرپ نہیں ہے پنجاب کے اوپر، یا پنجاب میں جو پنجاب حکومت نے جو انکار کیا ہے، تو میں تو اس کی شدید مذمت
करता हूँ और अच्छा। आज बल्कि जो जीडीए के जो रहनुमा है मुख्तलिफ टीवी चैनल पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद भी किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कि पीपल्स पार्टी को भी इनकार करना चाहिए। तो गो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत चूँकि पाकिस्तान का हिस्सा है वफाकी हुकूमत के अंडर है, हालांकि इमरान खान न्याजी साहब जो है ना वो तो सिंध हुकूमत को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी हम ताबे हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है और हमने वफाकी हुकूमत के हुक्म को माना मगर पंजाब हुकूमत ने नहीं माना बात। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस लिहाज से, और दूसरी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अफगानिस्तान से लोग निकल रहे हैं, मेरी ज़ाती अगर मालूमात आपको मैं बता दूं, ये वो लोग हैं कि जो अफ़गान कठपुतली हुकूमत के लिए एजेंट के तौर पे काम करते थे, या कुछ गरीब लोग हैं जो इसी आड़ में इसी सब कुछ में जो बागदौड़ में वो अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं रोज़गार के लिए, रोज़गार के लिए। तो मैं तो सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब ये बात दुरुस्त है आपके इल्म में है कि जिस तरह से मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि पंजाब ने इनकार कर दिया है और सारा बोझ जो है वो सिंध की तरफ पड़ा है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर अपोजिशन को कोई एतमाद में लेने का आपका इरादा है, कोई ब्रीफिंग वगैरह उनके लिए उसका एहतमाम किया जा रहा है, चूँकि अपोजिशन को तो एतमाद में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब से आपने बात शुरू की, मैं बोला, फिर बलोच साहब बोले, और एक आपको पाकिस्तानियत नज़र आ रही थी, लेकिन मंदुखेल साहब से बड़ा मुझे अफसोस हुआ इनकी बातें सुन के कि इन्होंने अफ़गान मसले पे भी कुछ सिंध पंजाब और वो एक जो ये सिंध कार्ड खेलते होते हैं खेलने की कोशिश की, जो अफसोसनाक है। इनको बताना है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो किसी सूबे की पाबंद नहीं होती, वो जब रियासत फैसला करती है, हुकूमत फैसला करती है, तो वो कभी कराची और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी जो भी ये जो भी खबर इनके पास कहीं से आई है उसकी तर्दीद उनको मैं करता भी हूं, और ऐसी बात इस वक्त जब पाकिस्तान में हमें इत्तेहाद की जरूरत है और पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है उसके पार एक बहुत बड़ी एक तशवीशनाक एक दुनिया पूरी का फोकस है, इस तरह में सिंध की बात करना और पंजाब की बात करना और केपी की बात करना मेरा ख्याल है बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं बिल्कुल इनकी इस बात को ना सिर्फ इसको मैं रद्द करता हूँ बल्कि इनके इस रवैये की मजम्मत भी करता हूँ कि जो इस वक्त हमारे उधर भी जो भी इंसान हैं वो तकलीफ़ में हैं और हम यहाँ कहें कि जी लाहौर वाले उनको बसाना नहीं चाहते और कराची वाले बसाना चाहते हैं, तो बहरहाल फिर वो बात गलत हो जाएगी कि आप को पता है कि यहाँ जब इससे पहले जब हुकूमतें जो गुलाम हुकूमतें होती थी तो वो क्या करती थी। मैं उधर बात को ले जाना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल ये है कि मौजूदा हुकूमत में हम इंशाअल्लाह कराची सबसे ज़्यादा पीटीआई का है, इमरान खान का है, और पीपल्स पार्टी अगर बात करेगी कोई तो वो जाके अपने रूरल की बात कर जाए, इनको वोटें पड़ती है। मेरा ख्याल है ये बात करने की जरूरत नहीं थी, नहीं जरूरत इस तरह की बात करके ना आप अपना तासुब का कार्ड खेलेंगे आप, तो ये मुनासिब ठीक है आपने बोल दिया, मुझे जवाब देने मुख्तसर मिस्टर एंकर आप भी ये बात सुन ले, मुझे नहीं पता आपका नाम का, मैं एक बात सुन ले कि आप इस चीज़ की उनसे वजाहत ले कि पंजाब हुकूमत आपकी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया और पूरे दिन मैं जो सिंध के कोमपरस जमाते हैं उनका सामना कराती इस बात पे, आप इस बात में तासुब की बात नहीं करो, मैं आपके तासुब आपकी जो तंग नजरी है या आपका जो एक जो पाकिस्तान को आपने अपने जागीर समझ रखा है, आप बता दें कि अगर वो वफाकी हुकूमत की एक पॉलिसी है जो कि आपकी कठपुतली हुकूमत है, क्या पंजाब किसी और मुल्क का हिस्सा है, क्या पंजाब में वो लोग नहीं आ सकते, पंजाब ने किस तरह इनकार कर दिया। मैं तो आपकी बता रहा हूँ कि आपकी तंग नजरी आपके तासुब की बात करो, पूरे मीडिया ने सुना है सारी बात, आप कैसी बात कर रहे हो, आप शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे, आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे, आपको माजरत करना चाहिए कि पंजाब हुकूमत ने जो बेजमीरी और बेशर्मी का किरदार अदा किया उसका आपको मजबूत करना चाहिए, बजाय आप मेरी तरह मैं तो वफाकी हुकूमत के तारीफ करके बात करो, आप अपनी बात कर लेना, आप इस बात की तारीफ करे हो कि पंजाब हुकूमत ने जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया उसकी आप मजम्मत करते हो कि नहीं करते हो। मैं तो मान रहा हूँ वफाकी हुकूमत, मैं तो मान रहा हूँ जो वफाकी हुकूमत ने मुझे हुक्म दिया मैं मान रहा हूँ, आप अपने रवैये के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो रियासती पॉलिसी है वो तमाम के तमाम सूबे उसको अडॉप्ट करेंगे और इसकी मजम्मत कर रहे हैं वो सदा। आप पंजाब की बात कर ले, आप उसे जवाब ले, पंजाब ने ये बात कही कि नहीं कही है, आज सारा दिन मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया है। मैं जवाब दूं सदाकत अली भाई साहब, मंदुखेल साहब आप बात कर चुके हैं, मैं जवाब देता हूं जी, मुख्तसर जवाब दे दें मुझे। देखिए अगर कोई सूबा कोई भी सूबा अगर कोई उसकी अपनी पॉलिसी बयान करता है तो जब भी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये मंदुखेल साहब आप भी को किताब पढ़ लें, फॉरेन पॉलिसी कभी भी किसी सूबे का इख्तियार नहीं होता,
یہ مرکزی حکومت ہے. اگر عمران خان صاحب کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں ہے, وہی حکومت پنجاب میں, ہم کبھی پنجاب کا اور سندھ کا تفریق نہیں کرتے. یہ آپ بار بار پنجاب پہ جو ہے نا اپنی تنقید کر کے تو اپنا کوئی غصہ اتار رہے ہیں. میں تو پہلے ہی اس چیز کا ڈینائی کر چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ کے پی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا ہے, پنجاب بھی پی ٹی آئی کا ہے. پنجاب نے بریکنگ نیوز چلائی تمام چینل نے, پنجاب نے انکار کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ بریکنگ نیوز جانے اور وہ جانے, میں آپ کو حکومتی ترجمان ہو کے بات کروں, آپ بار بار وہی بات کریں, اس بات پہ آپ وقت نہ ضائع کریں. میں آپ کے رویے کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تعصب پلا رہے ہیں پنجاب اور سندھ کا. ٹھیک ہے, صدا کو میں بھائی صاحب قادر خان مندوخیل صاحب مجھے آگے بڑھ گئے ہیں. علی گوھر مدو صاحب نے خیرات کا وہ بنا دیا پورا. بس ٹھیک ہے, قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا نقطہ آ گیا اور انہوں نے مذمت کر دی ہے اس کی اور انہوں نے تائید نہیں کیا اس بات کی. آپ ایک بات کریں, آپ مجھے ایک بات, آپ مجھے ایک بات بتائیں, طرف جانے دیں مجھے سے. نہیں آپ میری بات, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جو آج پنجاب حکومت نے انکار کیے تمام چینل نے بریکنگ نیوز چلائی, آپ کوئی ترجمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی تفریق نہیں ہوگی. خیر پنجاب حکومت کبھی مرکزی حکومت کی پالیسی کے خلاف کر ہی نہیں سکتی. یہ جو الگ ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ آپ کر رہے ہیں. چلیں, اور پورے ملک کی یہ پالیسی ہے. افغانستان کا ایشو سندھ اور پنجاب کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. خدا را یہ سندھ کارڈ کھیلنا بند کریں, یہ تعصب کارڈ کھیلنا بند کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں, میں ڈینائی کر رہا ہوں. علی گوھر بلوچ کی طرف مجھے جانا ہے. علی گوھر بلوچ صاحب, آج سے 2 ماہ پہلے ایک بریفنگ دی گئی تھی افغانستان کے معاملے کے اوپر, اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ واضح طور پر کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ طالبان اتنی جلدی ٹیک اوور کر لیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے کی بریفنگ دینے کی آج بھی ضرورت ہے ان حالات میں؟ دیکھیں بالکل, میں نے تو پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں اس بات کا ذکر کیا ہے, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ جو حکومت ہے اس کو فوری طور پر قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے تھا افغانستان کی صورتحال پر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی قومی ایشو ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی کرونا کا پینڈیمک ہو, جب کوئی فلسطین کا مسئلہ ہو, جب کوئی کشمیر کا مسئلہ ہو, تو اپوزیشن کی تمام پارٹیز تو ہاؤس میں موجود ہوتی ہیں اور مطالبہ بھی کرتی ہیں, لیکن ان تمام میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. آج تک اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ اپوزیشن کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں, عوام کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں, یا ملکی معاملات کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہ جس وقت کرونا کا پینڈیمک آیا اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی سب سے پہلی, وہاں پر بھی عمران خان نیازی صاحب اپنی بات کر کے اٹھ گئے, ادھر اپوزیشن لیڈر بیٹھے تھے, ادھر پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ وہاں سے بھی غائب ہو گئے. کشمیر کا ایشو آیا تب وزیر اعظم غائب, فلسطین کا ایشو آیا تب وزیر اعظم صاحب غائب. ان کیمرہ بریفنگ جب پچھلے دنوں میں لاسٹ دی گئی تھی تو اس سے بھی وزیر اعظم صاحب غائب تھے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ملکی یکجہتی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مطلب ہے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. صحیح. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ, آج ان کے غیر سنجیدہ رویے اور ان کی خارجہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کشمیر کی جو مقبوضہ حیثیت تھی وہ بھارت نے ختم کی اور اس کا اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیا. اس پر بھی ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ ملتان میں ایک بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے بیان دے دیا کرتے تھے. آج دیکھ لے, باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم خارجہ جماعت پر تنہائی کا شکار ہیں. آج امریکہ کے امریکہ چاہیے, چونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے افغانستان میں جو اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اس پہ یقیناً اپوزیشن کو اعتماد میں بھی لینا چاہیے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں, اس پر ابھی تک حکومت کی طرف سے کیوں نہیں مشترکہ اجلاس بلایا گیا؟ پارلیمان کو یہ مطلب ایک سب سے مقدس ادارہ ہے اور اس کو قانون اور آئین کے مطابق بھی ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. تمام اپوزیشن پارٹی کو بلانا چاہیے, سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے. صداقت ابائی صاحب, ہونا چاہیے مشترکہ اجلاس, مختصراً بتا دیں, پھر مجھے 3 سالہ کارکردگی کے اوپر بھی بات کرنی ہے. مختصراً بتائیے. بلوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں, آئیڈیلی اسپیکنگ اجلاس ہوتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن ان کو سمجھنا یہ ہے کہ کسی ایک اجلاس کی بات نہیں ہے. صبح اور شام کی سچویشن بدل رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی ہوا ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اس وقت کوئی اختلاف رائے پاکستان میں نہیں ہے,
पाकिस्तान की बड़ी वाजे पॉलिसी है कि हम वहाँ किसी हमारा कोई वहाँ फेवरेट नहीं है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ जो ट्रांजिशन है वो पुरमन तरीके से हो, खून खराबा ना हो और पाकिस्तान का बॉर्डर सील कर दिया जाए ताकि वहाँ से कोई उसका स्पिल ओवर ना आए। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा को बहुत सारी को रॉकेट साइंस है नहीं है और सिचुएशन जो है वो सुबह शाम बदल रही है। आज मीटिंग करेंगे तो कल कुछ और हो जाएगा, लिहाजा आइडियली स्पीकिंग तो हर वक्त पार्लियामान का इजलास होना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी काम है इस वक्त ये है कि अफगानिस्तान में हमारे सिक्योरिटी के इदारे उस सिचुएशन पर नज़र रखें और टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी को चेंज। बिल्कुल ठीक है, आपने हुकूमती मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया और हमने बड़ी तफसील से बात की है अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, चूँकि डी जी आई एस पी आर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत वाज़े तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान की साइड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस वक्त सेफ़ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी आपको बताना है कि 3 साल कारकर्दगी के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीब का अहतमाम किया था, अपनी 3 साल कारकर्दगी उन्होंने तफसील से बयान की थी। अब भाई साहब, करंट अकाउंट खसारा ख़त्म होने का बताया था वज़ीर आज़म ने, उन्होंने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की बात की थी, एहसास प्रोग्राम की बात की थी, हाउसिंग स्कीम्स की बात की, कामयाब जवान प्रोग्राम का बताया था वज़ीर आज़म ने, लेकिन आपकी हुकूमत ये क्यों नहीं बताती है कि आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी को क्या रिलीफ मिला है? देखिए, एक हमारी हुकूमत पे तनकीद होती है जो आप सब करते हैं और बार बार एक ही बात को करते हैं, वो है महंगाई और बाकी तकलीफ दे मरहला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन महंगाई आई क्यों? वज़ीर आज़म ने ये वजाहत की कि जब एक मुल्क की 5 साल हुकूमत रहती है नून लीग की और 5 साल वो 1 रुपये की $1 की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, 5 साल के बाद एक्सपोर्ट वहीं पर खड़ा है जहाँ पर हम 5 साल पहले खड़े थे, तो पाकिस्तान का खसारा बहुत बढ़ गया। खसारे की वजह से उसका दबाव पड़ा करेंसी पे और आपके रिजर्व इतने कम हो गए कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता बचना एक बहुत मुश्किल हो गया, पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ गया जाने लगा और रिज़र्व जो है वो $10 अरब से भी कम होना शुरू हो गए सरकारी। उस वक्त हुकूमत ने ड्रास्टिक स्टेप लिए और आज अल्लाह के फजल से तारीख के सबसे ज़्यादा रिज़र्व पाकिस्तान आज अमीर तरीन है रिज़र्व के मामले में पूरी तारीख से। उसके बाद ज़ाहिर है महंगाई आई है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने 1100 अरब रुपया किसानों को दिया जिससे आम किसान की ज़िंदगी बेहतर हुई और आप देखें कि उसकी वजह से जो मोटरसाइकिलों की डिमांड है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड चली गई, पाकिस्तान में जो खुराक बनाने वाले थे उनकी आमदनियां बढ़ी। नहीं नहीं, और हमने सबको बताया इंडस्ट्रियल जो आपका जो बताएं कि महंगाई खत्म कब होगी सर? 3 साल देखिए ना, महंगाई की मैं बात कर, मैं और बात कर लूँ, आपने आम तबके की बात की, जो ये तामीराती जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है इसको जो वज़ीर आज़म ने बूस्ट दिया उसका भी ये हुआ कि रोज़गार बड़ा तेज़ी से फैला और मज़दूर के घर आमदनी आना शुरू हुई। टेक्सटाइल सेक्टर जिसको नून लीग ने बर्बाद कर दिया था उसको रिवाइव किया, आज आपकी जो IT इंडस्ट्री है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रही है $2 अरब की। इस सारे का इम्पैक्ट पाकिस्तान के आम लोगों पे होता है, उनको रोजगार बढ़ता है, कोरोना की वजह से ज़ाहिर है सप्लाई इफेक्ट हुई। सदाकत अली भाई साहब, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट कब आएगा? 3 साल अब हो गए हैं, तो अब आप कितना और टाइम लेंगे? इम्पैक्ट आ रहा है ना जी, आप देखें कि गवर्नमेंट ने अपनी ज़राअत की पॉलिसी बदली, 4 फसलें रिकॉर्ड आपकी बम्पर क्रॉप हुई, हुकूमत ने पॉलिसी बदली जिसकी वजह से 1100 अरब रुपया किसानों के पास गया, हुकूमत ने पॉलिसी बदली जिसकी वजह से टेक्सटाइल आज बूम कर रहा है, सीमेंट की सेल तारीख पे, इस सब का इम्पैक्ट लोगों की जिंदगियों पे है। इसी वजह से ऑपोजिशन बिल्कुल फ्लॉप है, उनकी तरफ लोग आ नहीं रहे, लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है अगला दौर भी इमरान खान का होगा ताकि पाकिस्तान में तामीर और तरक्की आगे जाएगी और लूट मार और करप्शन का जो एक माजी था उसको हम बाय बाय करेंगे। इसीलिए ऑपोजिशन फ्लॉप है, इनका कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं है कि लोग हुकूमत के साथ हैं, उनको इमरान खान की गवर्नमेंट पे पूरी उम्मीद है। चलें जी, लोग तो इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब तो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। आपने बात भी सुनी, इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनी जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी भी गिनवाई कल, और अब सदाकत अली अब्बासी साहब भी जिस तरह उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप कितने नंबर देंगे 10 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और इस 3 साल कारकर्दगी के ऊपर? कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं अपना बयान आपको सुना देता हूँ, फिर आप नंबरिंग खुद कर ले उसे। कल जब इमरान खान साहब का प्रोग्राम आ रहा था और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने जहाँ उन्हें स्क्रीन लगाया, आप यकीन करेंगे मैंने सर, मैं इस्लामाबाद में था, मैंने सारे काम छोड़ के मैं टीवी के सामने बैठ गया, मैंने कहा हो सकता है एज ए अपोजिशन हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आए हो, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये एक पब्लिसिटी का मैटर बना है, पूरे पाकिस्तान के लोगों का बड़े बड़े शहरों में स्क्रीन लगा है, तो मैं भी तो सुन लूँ कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ ये बयान करे जो इतनी बड़े पैमाने पे खुशियाँ मना रहे।
आप यकीन करेंगे वही नाच गाने, वही तकरीरें, वही ढोल बाजे, कोरोना का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने वहाँ, वो तो एक अलग चैप्टर है। आप मुझे बताओ कि सदाकत अब्बासी साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मोटरसाइकिलों की, इससे ज़्यादा बेवकूफाना स्टेटमेंट कोई और हो सकता है? आपको याद होगा शौकत अज़ीज़ जब वो वज़ीर आज़म थे मुशर्रफ के दौर में, तो लोगों ने बोला कि भाई महंगाई है, उसने बोला एसी और फ्रिज लोग खरीद रहे हैं। आज ये इसी तरह मोटरसाइकिलों से है, भाई मोटरसाइकिल 1000 रुपये पे किस पे मिलता है? आपको किसने बोला कि आपको अभी आपको कितनी मोटरसाइकिल चाहिए? सुबाजे मैं आपको दिला देता हूँ, 1000 रुपये पे करो, आपको मोटरसाइकिल हवाला कर दे बाकी। और वही मोटरसाइकिल जो 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे, जो मुझे नौजवान सुन रहे, वो मोटरसाइकिल आज 70,000, 80,000, 90,000 तक पहुंच गया, ये एक अलग चीज़ है। कारों के लिहाज से इसी तरह है, लेकिन मुझे ये बता दे कि गरीब आदमी ये जो कहते हैं आज पाकिस्तान माला माल है, इनकी रिजर्व ज़्यादा हो गए, ओ भाई आपकी रिजर्व से आम आदमी, आप कैमरे लेके चले जाए, आम गरीब आदमी को जो अपने घर के राशन के 120 रुपये चीनी, मैं पीपल्स पार्टी के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सस्ती चीनी थी, नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर दिनों में भी ये 55-50 रुपये चीनी थी, आज 120 रुपये चल रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही है, फिर भी ये ढोल बाजे बना रहे, गाने नाच उसी तरह खुशियां मना रहे जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मारा। आपको याद हो 3 महीने मैंने जो उन्हें कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया का क्या बनाना, पुराने का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए इन लोगों को यही ढोल बाजे नाच गाने करते रहेंगे अगले 5 साल। अब उन्होंने जो एक नारा था पीपल्स पार्टी अगली बारी फिर जरदारी, उन्होंने भी लगा ली है, अगले पता नहीं बाजी फिर न्याजी। ओ भाई खुदा को मानो, एक न्याजी था वो भी था, अब कोई न्याजी, एक न्याजी कश्मीर भी बिठा दिए, एक पाकिस्तान में बिठा दिए, इन न्याजियों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बता दो, नंबरिंग की जो बात आप करें, मुझे बता दो कि महंगाई क्या है, न्याजी कौम के बारे में आप अपने रिमार्क्स वापस लें, इनके इनके बहुत बड़ी कौम है, इनके 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 डोल, इनके डोल जो ना वो खत्म नहीं हो रही है, इनके डोल भी फिटना बंद नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ इनकी ये बातें हो रही है कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बता दो, आम आदमी इनके रेमिटेंस, इनकी रिजर्व की बात करो, आप मुझे बताओ, आप दुनिया से भीख मांग के कर्ज लेके आपने कहा कि अगर मैं कर्ज लूं तो मैं खुदकुशी करूं, पर खुदा का खौफ को कुछ तो हिम्मत पकड़ ले, कोशिश तो करो कम से कम ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप एक चीज पर 14,000 अरब रुपए आप कर्ज ले चुके हैं, वो खैरा जका सदका जो IMF से, जो वर्ल्ड बैंक से, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपने कोरोना की मद में लिया, फिर बात आ रही है, फिर भी शर्म नहीं आ रही उनको, एहसास प्रोग्राम, अरे भाई एहसास प्रोग्राम नहीं, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था जो कि बीबी शहीद के वक्त से ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था और वो बकायदा कानून बन चुका है, ये जालसाजी से उसका नाम रखा है एहसास प्रोग्राम, लेकिन कार्ड में वही बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम है। आप मुझे पूछो रेमिटेंस भी तो आ रही है, ये भी तो देखे ना भाई कौन से बढ़ रही है, बरामद देखे रेमिटेंस की जो बात करें, वो रेमिटेंस जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए जिसको ये 9 लाख ओवरसीज कहते हैं, खुदा की कसम बता रहा है इनसे वोट मांगे, इनको पता चल जाए, जहां कोरोना के दिनों में जहाज का टिकट 50,000 होता था, उन्हें 2.5 लाख कर दिए, लोग बेचारे वापस पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, जो गालियां की तब्दीली नहीं आई है। ठीक है, आप मैं एक चीज बताओ, दूसरी बात ये कि ये सारी चीज जो ने तकरीरें आप उठा के खुद अपने दिल पे आत रख के वो तकरीर सुनो, उसमें एक भी गरीब आदमी सिवाय लारे लेपे, सिवाय ये नक्शाबाजी, वो नक्शाबाजी, ये फिजिबिलिटी, उसके काम क्या है? आप गरीब आदमी से आप पूछो, उसको बता दो रेमिटेंस क्या होता है, रिजर्व क्या, उसको नहीं पता, वो तो बोलेगे भाई आटा कितने का है, चीनी कितना का है, रोजगार जो 1 करोड़ नौकरी। आपको एक और बात बता दूं, फिर मैं आपसे एक चीज करूंगा, फिर आप अगले टॉपिक, कल हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, हमें बताया गया कि वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक आएगा इशरत हुसैन साहब, वो पता नहीं क्या पॉलिसी बन के, आप यकीन करेंगे उस प्रोग्राम में मैं बैठ गया, खुदा की कसम एक बात का जवाब नहीं, ये अगले 2 साल में पाकिस्तान को पूरा प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रहे, जिस तरह वो इशरत हुसैन की कल वो थे और उसके बाद जाके उनको अवार्ड भी दे रहे, तो मैंने कहा भाई किस बात के अवार्ड दे रहे, ये तो पूरे पाकिस्तान प्राइवेटाइज कर रहा है और पूरे पाकिस्तान को ये प्राइवेटाइज करके पूरा सरकारी अदारे खत्म कर रहे, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप कादर खान मंदोखेल साहब मौकफ बता रहे थे अपना, खुश बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए अली गौर साहब कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, आपने भी कल वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी होगी, उनकी तकरीर अपनी कारकर्दगी बताने के साथ साथ नून लीग की हुकूमत पर मुझे ये लगता है कि एक पूरी चार्जशीट थी। आपसे भी एक सादा सा सवाल है सर कि अगर आप इतनी अच्छी मईशत छोड़कर गए थे तो मुल्क फिर डिफॉल्ट क्यों होने वाला था और इस हुकूमत को IMF के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
देखिए, आपने बाकी तमाम दोस्तों को काफ़ी टाइम दिया है, लेकिन फिर आपका अक्सर ये होता है ब्रेक आ गई, फिर अगले बंदे को मुझे प्रॉपर टाइम वजाहत करनी और मौकफ देना। देखिए, गुजारी ये है कि सूरत हाल ये है, एक बड़ी सिंपल बात है, अवाम की जेब खाली है और ये हुकूमत जाली है। दूसरा, इनके ऊपर मौजूद तरीन फिक्रा ये है कि विचू विचू खाई जाओ तो उत्तू रोला पाई जाओ। मकसद ये है कि आज ये जो उधर दबंगो बांग दावे कर रहे थे, वही कंटेनर पे चढ़ के वही लोगों को चोर कहना, वही लोगों को डाकू कहना, वही धमाले डालना, ये धमाले इसलिए डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान अहमद नियादी को और चीफ मिनिस्टर पंजाब को सर्टिफाइड वोट चोर का सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है। ये धमाले इसलिए डाल रहे हैं कि आज पाकिस्तान की आवाम की पहुँच से आटा तक जो है वो भी दूर हो गया है। ये धमाले इसलिए डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए एक इनके पार्टी में बैठा हुआ एमएनए आमर खयानी चूना लगा गया अरबों रुपए और 500 से 600% अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। आज ये धमाले इसलिए डाल रहे हैं कि पाकिस्तान में 50 और 55 रुपए पे मिलने वाली जो चीनी थी वो आज मतलब 110 और 115 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। ये जिम्मेदारों की बेहतरी की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। DAP की कीमत नून लीग के वक्त में 2500-2400 रुपए थी और आज 7000 में इस नालायक और करप्ट हुकूमत की वजह से 7000 रुपए में फी बोरी ब्लैक रेट पर मार्केट में मिल रही है। जो बिजली का यूनिट जिम्मेदार को नून लीग के वक्त में 5 रुपए में मिल रहा था, आज वो 12 रुपए में मिल रहा है। और जो 300 यूनिट पर आम एक गरीब बंदे को, जो कि बेचारा एक चपरासी की जॉब करता था, जो एक 20,000 पे तनख्वाह लेने वाला, उसको 300 यूनिट पे सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आज वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। मकसद ये, हाँ, अगर इन्होंने पैसा, इन्होंने तो यहां तक भी किया कि इन्होंने 12 खरब जो कोरोना का फंड मिला था उसको भी ये करप्शन की नजर कर दिया इन्होंने और ये हड़प कर गए। ये इन्हीं की हुकूमत की ऑडिट्स की रिपोर्ट से, ये को मैं बात नहीं कर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह रहे हैं, वजीर आजम ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि ये कोई जाली आदाद शुमार नहीं है, ये इसाकदार वाले आदाद शुमार नहीं है। आप तो जाली आदाद शुमार से IMF को बेवकूफ बनाते रहे भाई। ये हुकूमत ही जाली है, इनके तमाम अदाद शुमार जाली हैं। जो इन्होंने अपनी इस कल के फंक्शन को एडवर्टाइज करने के लिए जो तस्वीरें इन्होंने लगाई हुई थी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी भारतीय मीडिया पर एक्सपोज हो गई कि वो भी झूठ। वो इन्होंने भारत के लोगों की तस्वीरें अपने पाकिस्तान के लोग बना के दिखाए हुए थे। शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। कि मकसद ये है कि भारत की तस्वीरें आप अपनी, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई किसान नहीं मिला जिसकी आप तस्वीर लगाएं, कोई सनतकार नहीं मिला जिसकी आप तस्वीर लगाएं, आपने भारतीय मीडिया से उठा के तस्वीर लगाई। सवाल आगे ना, सदाकत अली अब्बासी साहब से इसका जवाब लेंगे, मुझे एक ब्रेक के ऊपर जाना है। सब बड़ी तफसील से आपने वजाहत कर दी और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है और इस हुकूमत को नहीं हटा सके, लेकिन इस हुकूमत को अगर आपने हटाना होता तो आपने इतने धरने दे दिए, आपने जलसे जुलूस कर लिया, आपने PDM का प्लेटफॉर्म बना लिया, लेकिन कारकर्दगी तो फिर आपके ऊपर भी सवालिया निशान है ना, कि आप हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अच्छा, प्रोग्राम का अब आखिरी हिस्सा है, तो सदाकत अली अब्बासी साहब, एहतसाब के हवाले से भी आपकी हुकूमत ने बहुत बात की थी और कहा था कि एहतसाब आपने अपनी काबीना से और अपने वज़रा से शुरू करना था और फिर बतदरीज इसमें नीचे जाना था। क्या आपकी हुकूमत ने ये वादा पूरा किया है? क्या वजह है कि अपोजिशन तनकीद करती हुई नज़र आती है, वो कहती है कि आपने तो बस सिर्फ जेलें भरनी है और अपोजिशन से भरनी है, अपनों को तो आपने नवाजना है? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स रखता हूँ सामने और ये फैक्ट सरकारी हैं और ये खुद ही बोल देंगे कि मुस्लिम लीग नून ने 10 सालों में पंजाब में जो एंटी करप्शन से जो करप्शन थी उसका जो पैसा रिकवर किया वो 2.5 अरब रुपया था। अरब रुपया, जबकि PTI ने अपने 3 सालों में, पंजाब की हुकूमत ने 450 अरब रुपया करप्ट लोगों से रिकवर किया। ये 450 अरब कितना था?
सिर्फ 3 सालों में, नून लीग ने 2.5 अरब निकाला 10 सालों में। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि करप्ट कौन है और करप्शन पकड़ने वाला कौन है। मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। उसके बाद बलोच साहब कहते हैं कि जी हमने को कोरोना का फंड खाया, तो बलोच साहब थोड़ी तकलीफ़ करें, वो रिकॉर्ड निकालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुजाहरा करें जिस तरह हम करते थे। अगर मेरी हुकूमत में कोई वजीर मुशीर चोर है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, हम कभी ये नहीं कहेंगे हमजा साहब की तरह कि बच्चों करप्शन होती रहती है, कोई बात नहीं, मुल्क को चलने दें। हम बिल्कुल करप्ट एलिमेंट, वो आपका है या मेरा है, हमारे लिए बराबर है। हम उसको मुआशरे का नासूर समझते हैं, चाहे वो करप्ट बंदा पाकिस्तान में हो, वो चाहे यहाँ से भाग गया हो, किसी ने भी करप्शन किया सबूत दें। मेरे भाई इस तरह नहीं होता कि आप ऐसे ही कहें कि 1200 अरब वहाँ का आ गए, 400 अरब वहाँ का आ गए। हम जो बातें कर रहे हैं वसूल, उसकी वसूली हुई है। रही बात नैब की, तो आप नैब आपका आपके दबाव में था, आपके 16 सालों में नैब ने 280 अरब वसूल किया, हमारे 3 सालों में नैब ने 500 अरब वसूल कर चुका है। तो ये फैक्ट्स हैं। बाकी जो मेरे भाई मंदोखेल साहब जज्बाती होकर बातें कर रहे थे कि ये एहसास प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, भाई एहसास प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक कहता है, पता लिया दुनिया का 490 अरब रुपए आपने मुझे बता दिए, 450 अरब रुपए। इनमें से सियासतदानों से आपने कितना वसूल किया, मियां शहबाज शरीफ से कितना किया, हमजा शहबाज से कितना किया? देखिए मैं एक बात पहले कर लूँ, जो मंदोखेल साहब ने बात की कि ये जी ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम और एहसास में कोई फ़र्क नहीं है, मेरे भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम में आपने 8 लाख जाली बंदा पीपल्स पार्टी का कारकुन डाला हुआ था, 21वें ग्रेड के अफसर भी डाले हुए थे, इसीलिए वो 16 अरब रुपया करप्शन हुई है। आपका हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसका स्कोप भी बड़ा है, उसमें ऑप्शन भी ज़्यादा हैं, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया का 3रा बेस्ट ये खैराती जो एक सोशल प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है इमरान खान का। खुदा रहा पीपल्स पार्टी को तो अब बहस पे ही ना लाएं। रही बात बिजली की, बिल्कुल बिजली महंगी हुई है और आप दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाएं ढूंढें जिन लोगों ने मुआहदे किए, जिन लोगों ने किकबैक्स लीं, जिन लोगों ने महंगे मंसूबे बिजली के लगाए, 36,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगा के तो आपने पकड़ 20,000 मेगावाट की खाली पकड़ा आपने, तरसील का निज़ाम लगाया ताकि वो कंपनियां मुनाफा कमाती रहें। 450 अरब रुपया 2018 में हम पे कर रहे थे बिजली की कंपनियों को कैपेसिटी का, आज वो 8,500 हो गया। जाएं चेक करें। जी 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 पूछें। नहीं आप ही बताएं ना कि किकबैक्स की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने लिए हैं महंगे बिजली के, बिजली घर लगाए, बिजली प्लांट्स लगाए, उनमें से गिरफ्तार किसको किया आपने? देखें आपका क्या ख्याल है कि ये कोई आसान बात है? मियाँ साहब ने एक कंपनी से मुआहदा किया, वहाँ किसी फ्रंट मैन के जरिए लंदन में कोई प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी पकड़ना कोई आसान काम है? ये कोई छोटे इन्होंने कार्रवाई डाली है? मुझे बता दें कि बिजली महंगी हो रही है लेकिन वो जो बिजली का जो गर्दशी कर्जा है वो बढ़ रहा है। इमरान खान ने तो एक भी मुआहदा बिजली का नहीं किया, मुआहदे तो जरदारी साहब ने किए। कभी आप क्या करें, वो मुर्दों के अकाउंट में पैसे निकलते हैं कैसे साबित करें? इन्होंने तो उस तरह की कार्रवाई डाली है जिसको पकड़ना और साबित करना मुश्किल है। नहीं एहतसाब मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा सही, एहतसाब सही होता तो ये लोग चीख चीख के पैसे दे रहे होते। आपको याद है जब मुशर्रफ आया, वो जो ब्रॉड शीट का केस है, ये सारा इन्होंने इनके असासे ढूंढने थे, इन्होंने NRO ले लिया। ये जब ये प्रेशर डालते हैं NRO ले के इनके सारे केसेस वो दब जाते हैं, तो ये मुश्किल मरहला है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत कमिटेड है कि करप्ट एलिमेंट को हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। जितना ये शोर शराबा करें किसी एक को NRO नहीं मिलेगा, ना नवाज शरीफ साहब को NRO मिलेगा, ना जरदारी साहब को मिलेगा। इन्हें पाकिस्तान में आना पड़ेगा और पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो ये तो वो है जो कहते थे हमारे लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आज इनकी प्रॉपर्टी निकल रही है, ये सारा पाकिस्तानी अवाम का लूटा पैसा। आप ही की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ को यहाँ से भेजा भी गया। सदाकत अली भाई साहब, मुझे कादिर खान मंदोखेल साहब की जानिब जाना है। मंदोखेल साहब आप, हमारी बड़ी गलती है जी, हम उनकी सेहत पे हमारा ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमने गलती की, हमने बड़े दिल का मुजाहरा किया। मियाँ साहब ने उस गलती का, उनको एहसास करना चाहिए था
कि वो वापस आके पाकिस्तान की अदलिया के सामने अपने आप को पेश करते। आज मियां साहब का कोई भी सपोर्टर इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता कि जो आदमी यहां से अदालतों से यानी इलाज कराने गया आज वो पाकिस्तान ये तो सामने पेश आ रहा कि आपने गलती की, आप लोगों से गलती हुई। मंदो खेल साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि माजी की हुकूमतों में हुक्मरान इतने ताकतवर हुआ करते थे कि उनका एहतसाब सिर्फ अपोजिशन में रहकर ही किया जा सकता था। आपने कभी इख्तदार में होते हुए अपना एहतसाब होने नहीं दिया मंदो खेल साहब? देखिए, आपके किसी सवाल के जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने पूछा कि सियासतदानों से कितना पैसे रिकवर हुए, एक टक्का भी नहीं रिकवर हुआ है। तो काम है ना सर, बात सरकारी सुन ले अब्बासी साहब तो हौसला रखें। आप मुझे ये बताओ कि आपका सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है, और अगर आप ये समझ रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हम भी कहते हैं करप्ट है, कह रहे हैं ना बाकी साहब, कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत बारीक काम किया आपने। सुन ले मुझे जवाब तो देने दे। आप कहते हो कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, इंतजामिया करप्ट है, हम आपके साथ एग्री है। आप जो ढोल पीट रहते हैं 120 अरब और 450 अरब का मैंने मुआवजा किया पंजाब का, मंदो खेल साहब इसका जवाब दे। अवासी साहब तसली रखे आप मैं आपको मैंने अच्छी तरह सुन लिया समझे। आप जो 126 दिन की डांस पार्टी में जो आप ऐलानात करते रहे, सियासतदानों के फेंट पाड़ देंगे, नवाज शरीफ की जरदारी किए, तो उसका मतलब झूठ बोला आपने। आप उस वक्त, आपको अगर आज आप तस्लीम करे हो कि हम नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपने झूठ बोला। आपने सियासतदानों के खिलाफ आपने उनकी जो तजलील की है सियासतदानों का, वो आपके सामने आ गई सारी। इस मतलब आप समझ रहे कि आप सियासतदानों का के खिलाफ जो आपने प्रोपेगेंडा किया वो सब झूठ निकला। इस वजह से आज आप नाकाम हो गए। आज आप FIA को आप इस्तेमाल करें, आज आप एंटी करप्शन को इस्तेमाल करो, क्योंकि नेब आपके सामने नाकाम हो गए। और फिर आपने जब बिजली की बात की महंगे उन्होंने किक बैठ लिया। आपको पता है राजा परवेज अशरफ उस केस में बरी हो चुका है। कोई शर्म होती, कोई आया होती है, उसके लिए आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए कि जो शख्स जो प्रोपेगेंडा आपने किए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ, वो अदालत से बाइज़त भरी हो गया। अगर आप में हिम्मत है और आपके पास सबूत है, तो आप उसकी अपील कर दे, उसको चैलेंज कर दे, उसको सजा दिला दे। मगर इस तरह झूठे प्रोपेगेंडे करके, इस तरह लोगों के करेक्टर असैसिनेशन करके, क्योंकि अपना तो कक है नहीं पले, लोगों के खिलाफ आप करते रहो। ठीक है, अच्छा चले, आप पानी पिए। कादिर खान मंदो खेल साहब, अलीगढ़ बलोच साहब की तरफ चलते हैं। मैं एक जुमला और कंप्लीट करूं, कंप्लीट कर लें फिर बलोच साहब नाराज हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आप जो बातें कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि आप हर चीज़ में नाकाम हो गए। मैंने डॉक्टर इशरत हुसैन का हवाला दिया, गवर्नर स्टेट बैंक का, जो उसने कल ब्रीफिंग दिए, ये तमाम इदारे बेच रहे हैं, तमाम इदारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के अदारे फेल हो चुके हैं। ये नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में फेल नहीं थे, आपके दौर में ये फेल हो चुका है। इस वजह से आपने डॉक्टर इशरत हुसैन को लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सामने ब्रीफिंग के लिए भेजा है, जो कि नाकाम हो गए। वो किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और जाते जाते आपके सेक्रेटरी लॉ ने इसके अवार्ड पकड़ा दिए, और मैंने तजाज किया है। मैंने कहा यह पूरे पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करे, आप इसको अवार्ड दे रहे हो। सवाल यह है, ये अगले 2 साल, आप भी तो माजी में हुक्मरान रहे, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारा दामन साफ है। आपके पास कोई सबूत है, समा के पास कोई सबूत है, या कठपुतली हुकूमत के पास सबूत है, या किसी और मीडिया के पास सबूत है? आइए, वेलकम, आइए कर ले। आप इश्तियारा चलाए, आप प्रोपेगेंडा करे, आप तकरीरें करे, आप जो मर्जी कर दे। आपने 3 साल में कारदगी देख ली, 0। आपको माफी मांगना पड़ेगा आपके, जब आप अपोजिशन में आएंगे, आपके खिलाफ डैमेजेस के केसेस दाखिल होंगे। चलिए, अपने साथी को तो मौका देना, अली गौर बलोच साहब की तरफ चलते हैं। अली गौर बलोच साहब की भी बात ले लेते हैं, उनका भी नुकता ले लेते हैं। अली गौर बलोच साहब, एहतसाब की हम बात कर रहे हैं, कल वजीर आजम ने एक और दिलचस्प बात की थी, और ये हकीकत भी है कि 90 की दहाई से हर हुक्मरान जमात का एहतसाब सिर्फ अपोजिशन में रहकर ही हुआ है, क्योंकि इक्तदार में रहते हुए तो आप लोग इतने ताकतवर होते हैं, इतने बासर होते हैं कि आपका एहतसाब करना मुमकिन ही नहीं है। फिर आप इसको सियासी इंतकाम कैसे कह सकते हैं सर? देखें, वज़ीर-ए-आज़म एक तकरीर फरमाया करते थे कंटेनर पे खड़े होके कि भाई एहतसाब सबसे पहले बड़े का शुरू होना चाहिए, और ये भी उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म होऊंगा तो सबसे पहले मेरा एहतसाब होगा। जो कंटेनर पर खड़े होकर ये बातें करता था, और जिसने उस वक्त असम्बली के जंगले तोड़े थे, और जिसने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के साथ कब्रें खोदी थी, उसका किरदार ये है कि उसकी बहन ने जब अरबों खाए हुए पकड़े गए,
तो फिर जनाब उस बहन को NRO दे दिया। फिर उसके बाद इनका किरदार ये है कि जब इसने अपना एक खुद साख्ता एहतसाब का इदारा बनाया था, जब इनकी KPK में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी, उस एहतसाब के इदारे को खुद ताले लगाए और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे खटक साहब, चूँकि उसके ख़िलाफ़ उस एहतसाब के चेयरमैन ने लिख दिया था, उसको भी नौकरी से निकाल दिया। और आज वही खटक साहब जो मालम जब्बा में डाका डाल कर आए थे, आज उनको वजारत के साथ नवाजा गया है। फिर आप देख लें कि इन्होंने आते साथ इस्लामाबाद की नजायज़ तजावजात के नाम के ऊपर लोगों की अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ और आम शहरियों की गिरा दी, और अपने बनी गाला के महल को रेगुलराइज भी करवा लिया और उस पर थोड़ा सा फाइन दे के उसको रेगुलराइज करवा लिया। उसके बाद आप देखें, एक पेट्रोलियम का स्कैंडल आया था जब कोरोना के दिनों में पेट्रोल की शॉर्टेज और अचानक कीमतें बढ़ी थी, कितने अरब रुपए का स्कैंडल था। आज तक वो इसके इमरान खान की ATM मशीनों के जरिए वो डाका डाला गया, आज तक अगर कोई उनका एहतसाब हुआ या किसी की पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई है तो आप बता दें। फिर आप बताएं कि ये अभी जो रिंग रोड का स्कैंडल आया है, अब्बासी साहब भी रावलपिंडी के रहने वाले हैं, मकसद ये है कि रिंग रोड के अंदर अरबों रुपए इनके वजीर सरवर खान ने वो माफिया के साथ मिलके, बल्कि वो खुद माफिया का हिस्सा है उसका, उन्होंने इमरान खान की नाक लेकिन वो तो जब कर ये कार्रवाई, लेकिन जब वो अपोजिशन में जाएंगे अब्बासी साहब तो जब उनका एहतसाब होगा ना सर, क्योंकि रिवायत तो आप लोगों ने ही डाली है ना, सैफुर रहमान कमीशन बनाया था आपने। भाई बात यह है कि एहतसाब उनका क्यों नहीं हो रहा? आपने तो जहांगीर तरीन को भी NRO दिया है, FIA ने जाकर अदालत में लिख कर दे दिया है, चूंकि इन्होंने बजट पास करवाना था और जाहिर है उसके बेनिफिशरी इमरान खान न्याजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद उसकी कैबिनेट में जो है वो अप्रूवल दी थी और इनके साइनों के साथ, इनकी अप्रूवल के साथ वो डाका डाला था, उसको भी NRO देना ज़रूरी था। इन्होंने अदालत में लिख के दे दिया कि हमें उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें ये मतलूब ही नहीं है। मां सवाए और ब्रॉडशीट केस में जो अरबों रुपए पाकिस्तान के अरबों रुपए इन्होंने वो उधर से इंग्लैंड से, आपके सामने रिपोर्ट्स आई कि वो शहजाद अकबर साहब किकबैक्स मांगते रहे और उन्होंने किकबैक लिए और फटाफट पाकिस्तान की अवाम का अरबों रुपया ब्रॉडशीट के नाम के ऊपर इन्होंने उधर वो जुर्माने जो थे वो भरे। सिर्फ ये विक्टिमाइज करना चाहते थे मियां नवाज शरीफ साहब को। वो एक दौर था जो एक तरक्की का दौर था, जिसमें मोटरवेज बन रहे थे, जिसमें CPAC जैसा प्रोजेक्ट आया था, जिसमें सस्ती बिजली और सस्ती खादें मिलती थी, सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ती चीनी मिलती थी। वो नवाज शरीफ का दौर था। और एक आज है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कमेंट दे दे कि मुझे चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लोगों से रोजगार छीन लिया गया है, सवाल उठा रहे हैं उनसे कर लेते हैं। और ये नैब की छतरी के नीचे बैठ के करप्शन कर रही है कठपुतली हुकूमत, ये आवाम की गैर नुमाइंदा हुकूमत, ये आवाम के वोट चुरा के आई हुई हुकूमत है, नैब की नाक के नीचे बैठ कर करप्शन कर रही है। आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी उनको मिलना। अब्बासी साहब वक्त बिल्कुल कम रह गया, जो इल्जाम लगा रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब को, क्या आपने वापस NRO दिया? मंदोखेल साहब ने बात की इदारों की, इन्हें पूछे PIA किसने डुबोया, पीपल्स पार्टी नून ने। स्टील मिल किसने डुबोई, पीपल्स पार्टी नून ने। रेलवे किसने डुबोया, आप लोगों ने। वापदा किसने डुबोया, आप लोगों ने। आपने पिछला 10 साल जिसको हम डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, आपने ये सारे इदारे डुबोए। आज वो इदारों के वजीर ने PIA का बेड़ा गर्क किया, जब आपने कह दिया कि हमारे भारत सर, अब आप बात करने दें, आपकी मैंने सुनी है सर, कंटिन्यू करें सर। आप भाई आप झूठ तो ना बोले ना, आप अपने वजीर की तो वजाहत करें ना, जिन्होंने PIA के पायलट्स के बारे में वो बात की थी। अब आ जाए ना अली गौर बलोच साहब, सदाकत भाई साहब कंटिन्यू करें। आपने बात की तो रिंग रोड जो है वो कोई ऑपोजिशन ने नहीं सामने लाया, इमरान खान ने खुद रिंग रोड का वायदा उसको आपने मुशर्रफ से अरबों खरबों रुपए पकड़े जाते, सारे चोर चके तो आपके बगल में। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई, ब्रॉडशीट का जो पैसा आपने दिया वो तो शहजाद अकबर ने कमीशन खाया है लेकर। नहीं ये तो आप सदाकत अब्बासी, ब्रॉडशीट का पैसा आप इमरान खान यादी ने अपनी ATM शहजाद अकबर की जेब में डाला है। ये तो ऐसी हवाई बात है, आपको भी पता है
बहुत शुक्रिया आपका। कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदाकत अली भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने कहा।